हदूद में शिकार करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 16 भारतीय माहीगीरों को डॉक्स पुलिस के हवाले कर दिया। दो कश्तियां कब्जे में भी ले ली गई हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान बताइएगा। बिल्कुल किरण, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कार्रवाई की है और गैर कानूनी तौर पर शिकार करने वाली दो भारतीय माहीगीर कश्तियां थी जिनको पकड़ लिया गया है। इन कश्तियों के साथ साथ 16 माहीगीर भी थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी कश्तियां जो है वो पाकिस्तानी कानून और समंदर में अकवामी मुतहदा की कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और इनके खिलाफ जो है वो तमाम जो है वो दस्तियात के समेत इनको डॉक्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई की जा सके। कामरान शेख बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हदूद में शिकार करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 16 भारतीय माहीगीरों को डॉक्स पुलिस के हवाले कर दिया। दो कश्तियां कब्जे में भी ले ली गई हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान बताइएगा। बिल्कुल किरण, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कार्रवाई की है और गैर कानूनी तौर पर शिकार करने वाली दो भारतीय माहीगीर कश्तियां थी जिनको पकड़ लिया गया है। इन कश्तियों के साथ साथ 16 माहीगीर भी थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी कश्तियां जो है वो पाकिस्तानी कानून और समंदर में अकवामी मुतहदा की कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और इनके खिलाफ जो है वो तमाम जो है वो दस्तियात के समेत इनको डॉक्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई की जा सके। कामरान शेख बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।